और जो भी वीडियोस यहाँ आपको मिलेंगी वो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल फोड़ देने वाली वीडियोस होंगी, ठीक है? इसलिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स, जहाँ हम आपको इन्फॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो पर्टिकुलर सैनिक स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें हम क्या जानेंगे कि व्हाट इज सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल क्या है, व्हाई इज सैनिक स्कूल क्यों है, मतलब वो क्या करवाता है बच्चों को, इतना स्पेशलिटी क्या है स्कूल में, और हाउ टू ज्वाइन सैनिक स्कूल को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा जानना है, वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट देख लेना, आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, सैनिक स्कूल है क्या? सैनिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल होता है। रेजिडेंशियल मीन्स हॉस्टल वहाँ होते हैं, अगर आप जाओगे तो आप वहाँ हॉस्टल में रहोगे बिल्कुल मजे से, ठीक है? जो कि CBSE से एफिलिएटेड होते हैं, CBSE जो बोर्ड होता है उससे एफिलिएटेड रहते हैं और इंग्लिश मीडियम होते हैं। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आते हैं, मतलब सैनिक स्कूल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, एक ग्रुप टाइप का है, जो कि इन सारे सैनिक स्कूल्स को इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? तो सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर में आते, जो रक्षा मंत्रालय आप जिसे कहते हो। अब यहाँ पे डिफेंस वर्ड आ गया, ऑब्वियसली डिफेंस के से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। तो सैनिक स्कूल क्या करता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वैसे वहाँ कैडेट्स कहते हैं, उनको जो NDA वगैरह INA वगैरह होते हैं, ये जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमीज होती हैं, वहाँ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। बच्चों को मतलब 12वीं के बाद को, बच्चे तो नहीं जाएंगे NDA में, ठीक है? तो 12वीं तक आपको वहाँ बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपेयर करा जाता है कि आप NDA INA को इजिली ज्वाइन कर सकें 12वीं के बाद। और आपको पता है NDA INA में डायरेक्ट क्या होते हैं, ऑफिसर्स रैंक मिलती है, जैसे लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनका पहले से रहता है कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, फौज में जाना है, मतलब डिफेंस में जाना है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है सैनिक स्कूल। टोटल इंडिया में अभी 33 सैनिक स्कूल्स हैं, आप उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन कैसे करें, देखो इसका सैनिक स्कूल जो सोसाइटी है वो इसका हर साल एक एग्जाम करवाती है, जिसे हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं, जो कि हर साल जनवरी या फरवरी में होता है। और इसके जो फॉर्म आते हैं वो नियरली सितंबर अक्टूबर तक आ जाते हैं, ठीक है? अब जो एडमिशन होता है वो 6th और 9th क्लास में ही होता है, 6th और 9th। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ 9th में ही होता है, ठीक है? 9th में सिर्फ बॉयज़ का होता है, ओके? और इस 6th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हो सकता है। और ये स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी सीट है, अवेलेबल है सीट की नहीं है, अदरवाइज 6th क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 6th क्लास की हम बात करें तो वो 300 मार्क्स का होता है, और अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 400 मार्क्स का होता है। जो 6th क्लास का होता है उसके जो टाइमिंग होती है वो 2.5 घंटा होती है, ठीक है? टू एंड हाफ एन आवर होती है, और जो 9th क्लास की होती है वो 3 आवर होती है। अब जो इसमें सिलेबस वगैरह होते हैं, इसमें एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, पूरा एनालिसिस करवाऊंगा आपको इसका, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहीं पूरी क्लासेस प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफलाइन भी क्लासेस देनी होती हैं इसलिए उतनी टाइमिंग नहीं बन पाती है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ से जरूर हमेशा एक गाइडेंस देता रहूँगा, बीच बीच में आपको सिलेबस का पूरा वो, और जो भी वीडियो यहाँ आपको मिलेंगी वो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल फोड़ देने वाली वीडियो होंगी, ठीक है? इसलिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। 6th क्लास की बात करें तो उसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जनरल नॉलेज आता है, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है जिसे आप चूज कर सकते हैं वो लैंग्वेज आपकी आती है। 9th क्लास की बात करें तो वहाँ मैथमेटिक्स, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, वहाँ सिर्फ इंग्लिश आती है, मतलब कुछ और लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी वगैरह नहीं आती है, ठीक है? और पेपर भी इंग्लिश ही में आता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है, जनरल स्टडी आती है जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, और सोशल स्टडी आती है, ठीक है? वहाँ ये 5 सब्जेक्ट आते हैं 400 मार्क्स के। इतनी बात क्लियर है कि पेपर क्या होता है, पेपर कितने मार्क्स का होता है, सेपरेट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अब जो सेलेक्शन होता है, इससे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। 6th क्लास में जो आपकी एज है वो 10 to 12 ईयर के बीच होनी चाहिए, 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, और जो 9th क्लास होती है उसमें आपकी एज 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए, और मेन चीज आपका 8th पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है? एडमिशन के टाइम आपका 8th क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज 9th में तभी तो जाओगे ना जब 8th पास करोगे, ठीक है? समझ में आ रहा होगा।
अब सिलेक्शन कैसे होता है, आपने एग्जाम दिया, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर मेडिकल होता है, फिर नई मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। अब इसमें जो सीट्स, हर स्कूल में अलग अलग सीट्स होती हैं, आप एक ही स्कूल को चूज कर सकते हो, ठीक है, पूरे इंडिया में आप किसी भी स्कूल को चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही चूज करते हो तो आपको वहाँ थोड़ी सही पड़ता है। दूसरी स्टेट में जाओगे तो वहाँ बाहरी राज्यों के लिए, दूसरी स्टेट वालों के लिए कम सीट अवेलेबल रहती हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देखना। पूरा रिजर्वेशन पे है कि कितनी सीट्स होती हैं, कैसा कैसा आपको सीट की वहाँ जो सिलेक्शन होता है सीटों पे वो कैसे होता है, वो पूरा आपको वहाँ बता रखा है। चैनल पे आप और वीडियो चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प होने वाला है। अब जो एग्जाम में जो क्वालिफाई या पास होने का जो क्राइटेरिया होता है, अगर हम जनरल की बात करें तो आपका ओवरऑल 40% होना चाहिए, 400 मार्क्स हैं उसका 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में जो कि सिलेबस रहता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस वगैरह, उसमें हर एक सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर ऐसा है कि आपके 400 में से 300 मार्क्स आते हैं और उसमें से आपके किसी एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स से कम है तो फिर आपका सिलेक्शन, आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। इसलिए हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना जरूरी होता है और ओवरऑल 40% होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट मेरिट पे बन जाता है, समझ में आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप रियली सैनिक स्कूल में जाना चाह रहे हो तो आपको अभी से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अगले साल जनवरी फरवरी में उसका एग्जाम होगा, इस साल थोड़ी लेट हुआ था कोरोना की वजह से, जो कि सब कहानी पीछे चल रहा है, तो अभी वो लेटेस्ट फरवरी में हुआ था, आजकल उसके मेरिट लिस्ट आई है, उनको भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या सीन है। अदरवाइज यहाँ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, जो कि आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। अब जो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, उनको तो इस चीज़ का पहले से नॉलेज रहता है कि डिफेंस वगैरह में जाना है, तो वो तो काफ़ी अवेयर होते हैं। जिनको जो अवेयर नहीं होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब कुछ लोग अवेयर नहीं रहते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। देखो, जो डिफेंस में जाना चाहता है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है सैनिक स्कूल, वहाँ के जो फैसिलिटीज़ होती हैं, किसी को वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है। कोई जानने वाला था हमसे, समाज सीनियर थे, उनको वहाँ स्कॉलरशिप मिली थी, टेंथ के बाद वो सिंगापुर गए थे पढ़ाई करने, ठीक है। तो सैनिक स्कूल बहुत बेस्ट है, लेकिन ये है कि अगर हम फीस की बात करें तो फीस वहाँ थोड़ी हाई रहती है। ये मान लो कि जो अब स्कूल वाइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस फीस थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, ओके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, आपको वीडियोस मिल जाएगा, डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा।